नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिमन्यु और इस वीडियो में मैं बात करता हूँ कि कैसे हम GNS3 में अपने वर्चुअल बॉक्स में जो मशीन इंस्टॉल है वो कैसे कनेक्ट करेंगे और किस तरीके से वो काम करेगी, ये हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और ये हमारी GNS3 जो सीरीज चल रही है उसकी वीडियो नंबर 5 है। और उम्मीद करता हूँ अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियो देखी है तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आपको कैसे वर्क करता है वो सब समझ में आया होगा, ठीक है। तो जो मेरी प्रैक्टिकल की बात हुई थी आपसे, तो मैंने इसके साथ साथ नेटवर्क की भी एक वीडियो अभी पड़ी हुई है चैनल, मतलब कल ही मैंने वीडियो अपलोड करी थी नेटवर्किंग के लेकर कंप्लीट वाले, तो उसको भी मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो हमारी जो प्रैक्टिकल होंगी वो वहाँ पे GNS3 की जो प्रैक्टिकल होंगी, मैं वहाँ पे जब स्टैटिक राउटिंग हम करेंगे तो प्रैक्टिकल मैं GNS के साथ ही अपलोड आपकी करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बहुत बढ़िया मैं प्रैक्टिस आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप चीज़ें देख सकते हो, किस तरह आप मशीनें कनेक्ट कर सकते हो, स्टैटिक राउटिंग भी आपको जो है करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है, इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ GNS3 पे और दिखाता हूँ कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। और वर्चुअल बॉक्स में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप वर्चुअल बॉक्स जो है ओपन करना है, एक सेकेंड, जो सेटिंग आपको करनी है वो मैं दोनों चीज़ दिखा देता हूँ। पहले आपको यहाँ पे क्रिएट ए प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करना है आपको, ठीक है जी। लैब विद वर्चुअल बॉक्स, ठीक है जी, स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको मशीन आपकी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप वहाँ पे कनेक्ट करते हो यहाँ पे आपकी मशीन शो होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको वर्चुअल बॉक्स में आप जाओगे, वहाँ पे कोई भी मशीन आपने अगर बनाई हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे जैसे अगर मैं सेव्ड नहीं है, मेरे सारे सेव्ड में आ रहे हैं, चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स में आपको जाना है और जो वर्चुअल बॉक्स, उसकी सेटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी सेटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ नेटवर्क अडाप्टर की। आपको जो नेटवर्क अडाप्टर है वो आपका यहाँ पे नो टच अटैच्ड आपको जो है सेलेक्ट करना है। और अगर आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, जो आपका हमारा नेटवर्क पैनल होता है वहाँ पे हमारा ये इथरनेट टू वर्चुअल बॉक्स हमारा अनेबल होना चाहिए, वहाँ पे आपका प्रेजेंट होना चाहिए, तभी ये चीज़ आपकी काम करेगी। और आपको यहाँ पे नोट अटैच करना है, ठीक है। आप यहाँ पे आपको नोट अटैच, ना ही कोई नेट ब्रिज ये सब आपको नहीं करना है, सिर्फ आपको नोट अटैच करके इसको रखना है, ठीक है जी। मिनिमाइज कर देता हूँ मैं और GNS पे हम चलते हैं, ठीक है। GNS में अब यहाँ पे जो आपको करना है, आपको जाना है एडिट में, प्रेफरेंस में आपको जाना है, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स पे आप सेलेक्ट करोगे तो देखोगे कि बाय डिफॉल्ट इसने हमारा जो वर्चुअल बॉक्स हमारे सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, बाय डिफॉल्ट ये उसकी प्रोफाइल जो है उठा लेगा, सॉरी लोकेशन जो है उठा लेगा। अगर आपने दूसरी जगह पे अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है डी ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में अगर आपने लॉगिन किया है, तो आप यहाँ से लोकेशन जो है चेंज कर सकते हो किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ वर्चुअल बॉक्स के बारे में, वीएमवेयर वगैरह वो सब चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो डायनेमिक्स में मैंने आपको बता दिया था राउटर ओएस डालना कैसे आपको करना है, तो आप लास्ट वीडियो आप देख सकते हो जिसमें अच्छे से मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप राउटर स्टार्ट कर सकते हो और कैसे आप उस पर कन्फिगेशन कर सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं वर्चुअल बॉक्स, यहाँ पे मेरे को जाना और न्यू मशीन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। अगर आपका सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन परफेक्ट होगा तो ये आपको यहाँ पे जितनी मशीनें आपकी इंस्टॉल होगी वो यहाँ पे आपको शो करा देगा, ठीक है जी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूजन आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। आपको कोई भी इशू आ रहा है मेरे को ईमेल कर सकते हैं, स्टडी मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ, studywithabhimanyu@gmail.com, studywithabhimanyu@gmail.com, आप मुझे मेल कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके, कोई भी इशू आ रहा है तो मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विंडो 10 अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी आपकी चलेगी, कुछ भी आप विंडो कोई भी हो, आपकी VMs होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिनिश करता हूँ तो ये यहाँ पे फटाक से ऐड हो जाएगा, इस तरह से ऐड हो जाएगा बिना किसी एरर के, अगर आपकी सारी कॉन्फ़िगरेशन ओके है, अप्लाई एंड ओके, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको विंडो 10 आनी चाहिए, ये आ गया मेरा विंडो 10, ठीक है। मैं इसको उठा के यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, ये यहाँ पे सिंपल सा तरीका है आपको ऐड कराने का, क्योंकि ये तभी ऐड होगी जो चीज़ें आपकी परफेक्ट चल रही हैं। आपका नेटवर्क अडाप्टर आपका वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, नेटवर्क अडाप्टर यहाँ पे आपका अवेलेबल होना चाहिए। वर्चुअल बॉक्स में मशीन में आपको जो है जो सेटिंग करनी है नेटवर्क अडाप्टर के लिए वो आपको नोट अटैच करना है, ठीक है जी।
अब उसके बाद जो है राउटर हम ले लेते हैं, दो राउटर हमारे यहाँ पे ऐड है हमारे बाई डिफ़ॉल्ट, मैं C72 दो बार ले लेता हूँ या थ्री ले लेता हूँ, ठीक है जी। और फॉर टेस्टिंग पर्पज़ मैं यहाँ पे एक एक स्विच ले लेता हूँ, सॉरी स्विच यहाँ पे मैं इथरनेट स्विच ले लेता हूँ, ठीक है। और एक और पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे एक मशीन ले लेता हूँ, जो कि मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो मशीन होती है वो मैं ले लेता हूँ सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ पे, कि हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है जी। तो मैं टोपोलॉजी बना लेता हूँ। और आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, अभी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ नोटबुक आप ज़रूर ले लेना, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आज प्लीज़ जो है आप नोट करो, ताकि वीडियो के एंड में आप पूछ सको, या फिर मतलब आप जो है पूछ सको अपनी वीडियो को, ठीक है। ये हमारी लैब है, फटाफट मैं इसका कनेक्शन कर देता हूँ अभी, देख लेता हूँ एक सेकेंड ये आपस में मेरे को कनेक्ट। ओके ठीक है, बट यहाँ पे मेरे को अडाप्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि कन्फिगर स्लोट आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये AT यूज़ कर लेता हूँ सीरियल कनेक्टर के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी कन्फिगर स्लोट, ओके। और ये आप तभी कर पाओगे जब आपकी मशीन जो है बंद होगी, ठीक है, ऑन मशीन में आप नहीं कर सकते। ओके अब आप यहाँ पे लेके जाओगे तो आपके सीरियल पोर्ट आ जाएंगे, तो मैं कनेक्ट करता हूँ सीरियल पोर्ट से, ठीक है जी, टू सीरियल। और यहाँ पे ये सीरियल पोर्ट मैंने इसलिए किया है यार, क्योंकि फास्ट इथरनेट हमारे कम पड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इथरनेट से इधर, इथरनेट फास्ट इथरनेट से इधर, इथरनेट और इथरनेट से इधर, इथरनेट, ठीक है। ये यहाँ पे इससे, और यहाँ पे अगर ये देखो कनेक्ट हो गए हैं, अगर यहाँ पे कोई इशू होता तो आपकी मशीन जो है कनेक्ट नहीं होती, वो आपको नेटवर्क अडाप्टर का यहाँ पे एरर देता है, ठीक है। कनेक्ट कर देता हूँ, कनेक्ट कनेक्ट एंड कनेक्ट, ठीक है जी। स्किप कर देते हैं, ये हमारी लैब जो है स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो नेटवर्क जो बनाने हैं मैं आपको बता देता हूँ कि नेटवर्क आपको कैसे बनाने हैं, ठीक है। ये मैं एक नोट ले लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस मैं एंटर करा देता हूँ। मैं बड़ा सिंपल सा बना रहा हूँ यार, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड, आपको एकदम आसानी से जो है समझ में आए चीज़ें, मैं उस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और यार उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और जो है आपको सीखने में मदद होगी इससे, ठीक है। तो बड़े सिंपल से तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। आप जो है राउटिंग सॉरी सब नेटिंग जो है आप बाद में कर सकते हो, कोई चैलेंज नहीं है, बट आपको यहाँ पे कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं और कैसे हमें काम करना है, ठीक है जी। ये मैंने नेटवर्क जो है सेट कर लिए हैं, सबका बाई डिफ़ॉल्ट 255 है, C Class 3 के आईपी एड्रेस है, सबका बाई डिफ़ॉल्ट है। तो मैं सर्वर मशीनें स्टार्ट करता हूँ, हमको एकदम पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, एक एक मशीनें जो है स्टार्ट करनी है, ताकि हमारा CPU लोड जो है कंट्रोल में रहे। ये अभी 7 आ रहा है तो मैं स्टार्ट करता हूँ मशीन, ठीक है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये यहाँ पे ग्रीन होते जाएंगे, आपके रेड रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट, और मशीनें भी स्टार्ट कर लेता हूँ। आप CPU लोड देख रहे हो बढ़ गया है, तो उसके लिए भी मैंने आप लास्ट वीडियो में सॉल्यूशन बताया था कि आपको क्या करना है। तो आपको यहाँ जो यहाँ पे है आइडल PC आपको सेट कर देना है, ठीक है जी। आइडल PC आप सेट करोगे, कम अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, और आपको सिर्फ ओके प्रेस कर देना है, तो आइडल PC वैल्यू जो है सेलेक्ट हो जाएगी और आपका CPU लोड जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है जी। आ गया, ओके कर देते हैं। यहाँ पे भी आइडल PC, तो CPU लोड जो है आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, वरना आपका सिस्टम जो है हैंग रहेगा। ओके आइडल PC, ठीक है। आप देख रहे हो, आप CPU लोड कम होता चला जाएगा, और जैसे ही कंसोल लेंगे हम, और भी हमारा CPU लोड जो है कम हो जाएगा। ओके यहाँ पे मशीन में, अगर जब मैं मशीन यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट कमांड देता हूँ, वर्चुअल इज नॉट पावर ऑन, ठीक है। यहाँ पे मेरे को मशीन जो है अपनी स्टार्ट कर देनी है इस तरीके से,
मशीन हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। रिस्टोर, ये यहाँ पे ग्रीन दिखा देगा थोड़ी देर में। स्टार्ट कर देते हैं, वेट कर लेते हैं 2 मिनट। तो तब तक हम जो है कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट। ठीक है, ये मेरी सारी मशीनें ऑन हो गई है, तो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करता हूँ। राइट क्लिक, मैं यहाँ पे यार कस्टम लेता हूँ, और यहाँ पे मैं जो है पुट्टी के थ्रू आपका कनेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, ये मेरा सर्वर है, ऑन हो रहा है, सब कुछ चीज़ें हो गई हैं। तो मैं कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करता हूँ, एज सुन एज पॉसिबल कॉन्फ़िगर टी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको शो कराने हैं तो यहाँ पे आप शो लेबल्स, ठीक है, लेबल आप शो करा सकते हो। मशीन मेरी ऑन हो गई है जी, ठीक है, और कनेक्ट मैं कर लेता हूँ, एक सेकेंड। स्टार्ट, एक सेकंड देख लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे दोबारा इसको जो है ऐड ऐड कराता हूँ। ठीक है जी, कनेक्ट हो गई है, आपको जो है ऐड कराना है इसको बाद में। ठीक है जी, ये कनेक्ट हो गया है, तो मशीन हमारी दिखा दी है, रन कर रही है, लेबल हमारे आ गए हैं। आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो इस तरीके से, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप बिल्कुल अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप इसको जो है रख सकते हो। ये यहाँ पे पोर्ट 2 है और ये ऐसे है, ठीक है। या आप अगर इसको देखना चाहते हो इस तरीके से, आप जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ये आप देखो, राउटर सीरियल 201 इज कनेक्टेड टू राउटर 2, ये मैंने गलत कर दिया उधर, और राउटर इज कनेक्टेड 3। तो इसका मतलब ये है, ये हमारा ये है और ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है जी। इस तरीके से हो गई है, और ये मेरा यहाँ पे मशीन जो है स्टार्ट है। ठीक है जी, ये दिखा रहा है, यहाँ पे टेस्ट करा देता हूँ। ठीक है जी, अपने आप चला गया है जेनरिक ड्राइवर ये, यार एक सेकेंड। ठीक है, ओके, आईपी जो है मैं चेंज कर देता हूँ। मैं कम्युनिकेशन आपको पहले इसी का दिखाता हूँ, क्योंकि हमने वीडियो इसी पे बनाई है, ठीक है। A1.2 आ रहा है, मैं इसको कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, और ये जो मैंने यहाँ पे नेटवर्क जो है सिलेक्ट करा है, तो मैं वो करा देता हूँ 2.1। ठीक है, 2. हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, 2.12 कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। और ओके 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 क्लोज, ठीक है। अब मैं पहले आपको यही कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, यहाँ पे कस्टम कंसोल। कॉन्फिग टी, ठीक है, इंटरफेस F0/0, ठीक है जी। IP ADR 92.168.2.1255.255, सॉरी 55.255.0, ठीक है। नो शट डाउन,
पोर्ट मेरा ऑन हो गया है, चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, विंडो आर रन सीएमडी पिंग 192.168.2.1, ये मेरा पिंग आ गया। ठीक है जी, मशीन आपकी कनेक्टेड है तो हमारी टेस्टिंग हो जाएगी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो मशीन टेस्ट सक्सेसफुल। अब आपको जो सेटिंग करनी है वो सारी चीज़ें आप इस तरीके से आप कर सकते हो कि कोई भी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है नेटवर्क का, भी मैं यहाँ पे 2 IP रख लेता हूँ। ठीक है जी, एग्जिट करता हूँ और इंटरफेस S2 सेलेक्ट कर लेता हूँ, सॉरी /0। ठीक है, IP एड्रेस ADD192.168.1.2.255.255.255.0, एंटर, नो शट डाउन। ठीक है जी, नो शट डाउन हो गई कमांड। अब मैं इसका कंसोल मैंने ले रखा है, राउटर 3 का लिया, और राउटर 1 पे मैं कंसोल ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं जाता हूँ कॉन्फ़िगर टर्मिनल में और इंटरफेस S2/1। ठीक है, और यहाँ पे IP ADD 192.168.0.1.1, क्योंकि 0 यहाँ पे मैंने राउटर 3 पे 1.2 मैंने डाला है। ठीक है, यार गलत तो नहीं कर दिया मैंने, अच्छा राउटर 1 है ना, राउटर 3 पे, ये राउटर 3 पे आप देखोगे मैंने 1.2 डाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ और नो शट डाउन, ये दोनों पे कम्युनिकेशन के लिए आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया ना, अब यहाँ पे भी आपको दिखा देगा कि स्टेट चेंज के लिए, ये आ गया ना स्टेट अप। ठीक है जी, कम्युनिकेशन हो गया, कनेक्ट हो गए। हम एक टेस्टिंग करके देख लेते हैं छोटी सी कि यहाँ पे हमारी रिचेबिलिटी है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे जाते हैं और 1.2 हमारे सर्वर पे कॉन्फ़िगर में पिंग आ रहा है। ठीक है, पिंग मतलब आपका जो ये पॉइंट है ये भी हमारे यहाँ से रिचेबल है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 1.1 मैं करके देख लेता हूँ, ये हमारा पिंग नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए मुझे राउटिंग करानी पड़ेगी कि मेरा इस कनेक्टेड है इस पोर्ट से। तो मैं यहाँ पे एक स्टैटिक राउटिंग करा देता हूँ, IP root। ठीक है जी, 192.168.1.1 sorry 1.0 255.255.255.0 192.168.1.2। ये वैलिड इनवैलिड दिखा रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, कंप्लीट कमांड 192.168.1.2। यहाँ पे मैं करा देता हूँ एस, एक सेकेंड, S20। ठीक है जी, कनेक्ट हो गया और राउटर 1 पे जो है करा देता हूँ स्टैटिक राउट की एंट्री, 168। यहाँ पे मेरे को डालना है 2.255.255.0 और कनेक्टेड है ये 1.2 से। ओ
ठीक है जी, कम्युनिकेशन हो गया, एग्जिट पिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, स्टैटिक राउटिंग मैंने आपको करा दी है और वीएमवेयर की मशीन आपको करा दी है और कैसे वर्क कर रही है वो चीज़ भी मैंने आपको इसमें दिखा दी है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट लैब आपको करके दिखा दूंगा, पूरा पर राउटिंग आपको दिखा दूंगा। 20 मिनट का लेक्चर ऑलरेडी हो गया, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।